हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी ईशा लेकर आई है आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी। आप लोगों ने मुझे लाइव सेशन में और कमेंट भी किया था कि हमारी ब्रेस्ट जो है बहुत लूज है, यानी सैगिनेस हो गई है, लटकी हुई फील होती है, और साथ में उसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारा साइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। हमेशा मैं आपके लिए एक्सरसाइजेस बताती हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं 1 मंथ तक, वीक में आपको 2 बार करना है, डेफिनेटली आपकी ब्रेस्ट की सैगिनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपकी ब्रेस्ट का जो बल्किनेस है वो भी खत्म होकर आपकी ब्रेस्ट प्रॉपर शेप में आ जाएगी। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपको 70% रिजल्ट जरूर देगा, ये वाला रेमेडी, इस बात का ध्यान जरूर रखेगा। 1 मंथ आपको फॉलो करना है, लेकिन उसके बाद आपको रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वही रेड बटन है सब्सक्राइब का, वहाँ सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन है, उसके साथ में प्रेस करना कभी नहीं भूले, ताकि आपसे मेरा आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। साथ में आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो करना है लाइक और करना है बहुत ज्यादा शेयर। मेन है या वुमेन, कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मेंस भी हैं, तो वो भी अपने फैमिली मेंबर्स को, यानी अपनी वाइफ को दिखा सकते हैं वीडियो, या अपनी सिस्टर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, या किसी भी लेडीज अपनी लेडी गर्लफ्रेंड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम डे बाय डे वुमेन्स में बढ़ती जा रही है, सैगिनेस की प्रॉब्लम, जिसको दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मार्केट हम जाते हैं, बहुत सारी हम पिल्स खा लेते हैं, उस पिल्स को खाने की वजह से हमारे फ्यूचर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे प्रेगनेंसी में भी वो ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो हमें कोई भी एडिशनल मेडिसिन नहीं खानी, एडवर्टाइजमेंट पे अट्रैक्ट नहीं होना। अगर आप किसी अच्छे गायनेक के पास गए या आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ रेकमेंड करा, तो वो डिफरेंट चीज है। अदरवाइज अपने आप से कोई मेडिसिन मत लिया कीजिए, प्लीज। फिजिक आपका प्रॉपर पूरे टाइम के लिए खराब हो जाएगा बुरी तरीके से। लेकिन ये रेमेडी आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। आप जान लेते हैं इस रेमेडी में मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया है। फर्स्ट चीज आपको मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, जिसकी ब्रेस्ट बहुत हेवी है उनको ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। जितना ज्यादा वो ग्रीन टी पीते हैं, उससे हमें ब्रेस्ट कैंसर प्रॉब्लम भी नहीं होती फ्यूचर में, और जितनी भी हेवीनेस है ब्रेस्ट की वो एकदम ठीक हो जाती है, मतलब हमारी ब्रेस्ट का साइज जो है रिड्यूस होने लगता है। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, उसमें हमें जरूरत है एक अंडे की। इसमें एक एग हमें लेना है, एग का जो एग वाइट होता है वो हमें उसका इस्तेमाल करना है, येलो वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं करना। एग वाइट लेकर आप बाउल में थोड़ा सा निकाल लीजिए, अच्छे से मैश करिए। मैश इतना ज्यादा करिए कि उसका प्रॉपर झाग बन जाए, जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं कि मैंने एग वाइट लिया है और उसको अच्छे से मैं मैश कर रही हूँ, और उसका वो झाग प्रॉपर वो फॉर्म जो है वो बन के तैयार हो गया है। उसके बाद हमें उसको प्रॉपर अपनी ब्रेस्ट पर लगा लेना है, मसाज नहीं करनी एज इट इज, बस हमें एक पैक की तरह अपने पूरे ब्रेस्ट पे कवर कर लेना है। मसाज मत करिएगा, नहीं तो आपकी ब्रेस्ट खराब हो जाएगी, शेप खराब हो जाएगी उसकी। आपको लगाने के बाद 15 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक ओनियन लेना है, उसको मिक्सी में पीस लेना है, जैसा आप देख पा रहे हैं। पीसने के बाद आपको उसका जूस निकाल लेना है छन्नी की मदद से। और उस जूस में कॉटन डिप करके अपनी ब्रेस्ट को क्लीन कर लेना है सोने से पहले। पानी नहीं लगाना आपको उस टाइम पे, ओनियन जूस से ही क्लीन करना है प्रॉपर ब्रेस्ट को। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको नहाने के टाइम आप सोप यूज कर सकते हैं। ये रेमेडी आपको वीक में 2 बार इस्तेमाल करनी है। अगर आप ऐसा 1 मंथ तक कंटिन्यू करते हैं तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी ब्रेस्ट जो इतनी हेवी थी वो कम हो गई है, और जो उसका सैगिनेस था वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, मतलब आपकी ब्रेस्ट प्रॉपर टाइटन हो गई है और आपकी ब्रेस्ट शेप बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको मेरा ये रेमेडी कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक तो बनता ही है ना, लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलेगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मैं ऐसी ही रेमेडीज आपके लिए लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।